हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में डीजे टेक में। और आज हम अनबॉक्स करने वाले सोनी लेक्स का ASL BS 1034 FM और देखेंगे कि साउंड बार में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमको देखने को मिलता है और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूं आपको मिल जाए इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले एक बड़ा सा लंबा सा बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पे ऊपर में दिया गया है इसका कुछ फंक्शंस। और यहाँ सामने है इसका जो स्पीकर का इमेज है या फिर साउंड बार का इमेज है, वहाँ पे एक इमेज दिया गया है। और इसका मॉडल नंबर है ASL BS 1034 FM। और यहाँ नीचे लिखा है बीट वर्स और नीचे यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड फंक्शंस दिया गया है। और यहाँ इंटरनल डायग्राम भी आपको दिया गया है। और यहाँ पे तीन कलर वेरिएंट में आता है, एक वाइट, एक ग्रे, एक ब्लैक। और तो हमारा जो यहाँ पे वेरिएंट है वो है ग्रे। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपको यहाँ इनपुट DC 5 वोल्ट देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन बैटरी है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 150 to 18,000 हर्ट्ज़ है। और पावर आउटपुट है 3W × 2 और FM है 87 MHz to 108 MHz। और फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, USB कार्ड से आप चला सकते हैं और एक्सटर्नल ऑडियो इनपुट है और एक्सटर्नल पावर चार्जिंग इंटरफेस, मतलब आप यहाँ 5 वोल्ट का चार्जर से चार्ज दे सकते हैं। और FM ऑटो स्कैन रेडियो, मतलब आप यहाँ पे ऑटो स्कैन कर सकते हैं, FM आपका चैनल्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ स्पीकर विथ वायरलेस ऑटोडाइन सिस्टम। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका डिज़ाइन। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर का कवर हटाने के बाद हमको यहाँ नीचे एक वाइट बॉक्स देखने को मिलता है। खोलते हैं, यहाँ सूटकेस जैसा दिया गया है, मतलब खजाना वजाना छुपा है यहाँ पे। तो ये हमारा खुल गया। तो यहाँ ऊपर दो फोम दिया गया है तो हम फोम को हटा लेते हैं। और यहाँ पे एक आपको यूज़र मैनुअल दिया जाता है और यहाँ यूज़र मैनुअल सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है और बाकी कोई लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, स्पेसिफिकेशंस है और पीछे ऑक्सिलरी का कुछ फंक्शंस दिया गया है। तो ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, अगर आपको फंक्शंस पता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया एक 5 वोल्ट का USB केबल और यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, ऑक्स केबल यहाँ पे नहीं दिया जाता इस स्पीकर के साथ या साउंड बार के साथ। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इस वाइट बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ प्लास्टिक रैप हटाने के बाद ये हमारा निकल के आ गया, हमारा लंबा सा स्पीकर। और यहाँ सोनी लेक्स का ऊपर ब्रांड दिया गया है और ये ग्रे कलर का है और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम है। और ये मैट फिनिश के साथ आता है जो मुझे बहुत ही पसंद है, मैट फिनिश मुझे बहुत पसंद है ग्लॉसी फिनिश से। ग्लॉसी फिनिश में क्या होता है, थोड़ा सा स्क्रैच वैच पड़ जाता है, मैट फिनिश में वैसा नहीं होता। तो यहाँ ऊपर एक वॉल्यूम का बटन दिया गया है और यहाँ कुछ बटन्स दिया गया है, यहाँ पे एक मोड बटन है। और यहाँ नीचे इसका कुछ दिया गया है कि स्पीकर आउटपुट पावर और मॉडल नंबर, वर्किंग रेंज, वर्किंग रेंज अप टू 10 मीटर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पीछे दिया गया है एक USB का इनपुट, DC 5 वोल्ट, TF कार्ड और ऑक्स का एक जैक। तो एक बार हम इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपको कोई ऑन ऑफ बटन देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे जो आपका ऑन ऑफ बटन है ये वॉल्यूम बटन घुमाने से ही आपका ऑन हो जाएगा। वेलकम टू सोनी लेक्स यूनिवर्स। ये हो गया हमारा स्पीकर ऑन। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं।
कैसा है इसका साउंड। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को डाल देता हूँ और देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी जो है कैसा है, और हमको कोई नॉइज़ डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है कि नहीं, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। USB driver mode. तो यहाँ पे जो हमको साउंड क्वालिटी देखने को मिला वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और जो इसका जो बीट होल्डिंग का कैपेसिटी है, और मतलब जो साउंड है और जो बीट निकल के आता है इस साउंड बार से, वो एकदम परफेक्ट है, और कोई भी नॉइज़ डिस्टॉर्शन हमको देखने को नहीं मिला। आप जब साउंड सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो साउंड है वो बहुत ही क्लियर एंड लाउड है, और जो बेस का जो क्वालिटी है वो बेस का भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि ये स्पीकर जो जिसको मतलब थोड़ा सा बीट ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा लाउडी मतलब स्पीकर पसंद है तो उनके लिए सही रहेगा। और इसका जो प्राइस है, तो यहाँ मैंने ऑफलाइन मार्केट में इसको ख़रीदा था 1300 रुपीज़ में। अभी तक मैंने इसको ऑनलाइन कोई अमेज़न में नहीं देखा अभी तक, तो जब मिल जाएगा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो मैंने यहाँ पे साउंड टेस्ट करके जो दिखाया तो आपको कैसा लगा, और जो स्पीकर का जो डिज़ाइन है और जो लुक्स वाइज जो स्पीकर है तो ये आपका आपको कैसा लगा, और इसका जो फंक्शंस है तो यहाँ इसका जो फंक्शंस और जो मतलब यहाँ पे जो इसका जो मैट फिनिश जो लुक है तो ये भी आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।